उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद राप्ती नगर द्वीप एवं गोरखपुर क्षेत्र के द्वारा कचहरी बस स्टेशन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतिक चुनाव में नवनिर्वाचित प्रांत उपाध्यक्ष महेश कुमार राय और प्रांतीय प्रतिनिधि तिलक राम दुबे एवं प्रांतीय प्रतिनिधि एवं मंडल अध्यक्ष जय प्रकाश दुबे का कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक चुनाव हुआ है, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री द्वारा मुझे प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस पद को जिम्मेदारी और चुनौती के साथ निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री विनोद तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, प्रांतीय सदस्य लाल चंद्र मौर्य, शाखा मंत्री मनोज कुमार, मनीष श्रीवास्तव, कन्हैया सिंह, गणेश मिश्रा, मनोज दुबे, अरविंद ओम प्रकाश, विपिन राय सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, कृपया आए अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष, आइए अपने महेश कुमार राय, प्रांतीय उपाध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। ये रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री द्वारा मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। मैं इस बहुत बड़े पद को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सामने चुनौती के साथ, जो परिवहन निगम के ऊपर है वो बड़ा संकट का है, ये जिम्मेदारी बहुत ही कठिन है, परंतु इस गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की ताकत के ऊपर मैं प्रांतीय नेतृत्व को भरोसा देता हूँ कि निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करूँगा। जहाँ तक परिवहन निगम के ऊपर ये संकट है कि 4 वर्षों में आज एक भी गाड़ियाँ खरीदी नहीं गई, जबकि प्रतिदिन मेरी 3 गाड़ी कबाड़ा हो जाती है। मैं एक डिपो, इसी डिपो की बात करूं तो इस डिपो में 32 गाड़ियां साधारण हैं, जो 26 गाड़ियां 10 लाख से ऊपर और 10 वर्ष से ऊपर वो चल रही हैं, उनके किलोमीटर की संख्या 17 से 18 लाख है, जो नीलाम योग्य हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं इस पर जो क्षेत्र में इस तरह की त्रुटियां हैं, मैं प्रांतीय नेतृत्व के सामने और उच्च प्रबंधन के सामने ऐसे बिंदुओं को उठाने का काम करूंगा और यह मैं मांग करूंगा कि जो हमारे बकाए हैं उन बकायों का भुगतान किया जाए और परिवहन निगम जो संकट से गुजर रहा है, जो आने वाले दिनों में हमें 24 का चुनाव है और 25 महाकुंभ है, इसके लिए हमें नई बसों की आवश्यकता है और यह मेरी मांग है कि कम से कम 400 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी इस परिवहन निगम को अनुदान के रूप में देने का कष्ट करें, ताकि परिवहन निगम अपने रफ्तार में दौड़ने का कार्य करें।